हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की पूरी, जिसे आलू की कचौड़ी भी बोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 से 1.5 कप आटा। इसमें हम गेहूं का आटा यूज करेंगे, 3 से 4 बॉइल्ड आलू, वेजिटेबल ऑयल, बारीक कटा हरा धनिया, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम आटा लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम बॉइल्ड किए हुए आलू मैश कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम आटे का एक पेड़ा लेंगे। और इसको बेलेंगे। इसको भी हमें छोटा ही बेलना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब हम इसे चारों साइड से अच्छे से कवर कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हम इस पर हल्का सा प्रेशर लगाते हुए इसको गोल शेप देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे और उसे गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें पूरी ऐड करेंगे और पूरी को अच्छे से दोनों साइड से डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी एक साइड से हो चुकी है। अब हम इसे पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू की पूरी, आलू की कचौड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।